आइए बच्चों, जोहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 5 विषय अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में आपके पूछे जाने हैं। अभी जो पेपर हुआ है हाल ही में, इस वह पेपर जो है इसी प्रश्न बैंक से आया है, तो आप इस प्रश्न बैंक से तैयारी कर लें बच्चों और 100% सफलता प्राप्त करें। तो आइए हम देते हैं प्रश्न। इसका एक पार्ट वन जो है पहले बन चुका है, ये पार्ट सेकंड है, तो ध्यान से आप समझ लें। देखिए इसमें खालिस्तान है, ए ब्लैंक्स ए सावन फिल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ। तो इसमें क्या आएगा आप खालिस्तान में, यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में स्लोली सडनली अंग्रेली, तो ये शब्द चुन करके आपको भरना है। तो हम देखें तो पहले में क्या जाएगा, सडनली आ जाएगा, यहाँ पर ब्लैंक में सडनली भर देंगे, ये वाला है। फिर अगला है बी ए टोरस्टोसाइज मूव्स। इसमें टोरस्टोसाइज मूव को क्या भरेंगे ब्लैंक में, देखिए आप तो स्लोली यहाँ पर लिख देंगे। अगला है देवदत्ता डायमंडेट हिज हंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिख लेंगे अंग रेली यहाँ पर लिख देंगे, ये वाला शब्द आ जाएगा अंग्रेली। अगला है सेकंड, इन शब्दों के प्रयोग से हमको ये रिक्त स्थान भरना है, डेली स्लो जेंटली, तो यहाँ शब्द को चुन करके हमको भरना है। तो ये में देखेंगे द थ्रोटिस मूव्स, यहाँ पे क्या भरेंगे, और यहाँ पे देखिए आप द प्रिंस टूक द एरो फ्रॉम द सावंस बॉडी। तो इसमें पहले में भर देंगे आप, पहले में स्लोली भर देंगे यहाँ पर स्लोली, और यहाँ पर भर देंगे सेकंड में जेंटली, और यहाँ पर भर देंगे डेली, आई डेली गो टू द पार्क, यहाँ इस प्रकार से इसको भर देंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन आंसर है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन टू थ्री सेंटेंस। अब देखिए दो से तीन वाक्य में उत्तर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिए। प्रश्न है व्हाट इज ए मल्टीमीडिया लेसन, तो यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे देखिए बच्चों, आंसर में आ जाएगा दिस काइंड ऑफ लेसन्स यूज ऑडियो विजुअल इफेक्ट अलोंग विथ ए चेंज फॉर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन देम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर, इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है दूसरा, व्हाट आर द अदर स्पेशलिटी आप महेश्वर, तो यहाँ पे क्या भर देंगे आप, यहाँ उत्तर में लिख देंगे इट इज आल्सो वेल नाउ फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम सीरीज वोवन बाय द लोकल वीवर्स, इस प्रकार से इसको उत्तर लिख देंगे। अगला है तीसरा प्रश्न, वेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो लाल बहादुर शास्त्री कब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, वो हमको लिखना है। तो देखिए आप उत्तर में लिख देंगे लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इन 1964 में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द
बॉन्डेड सावन, तो यहाँ उत्तर लिख देंगे सिद्धार्थ फाउंड द बॉन्डेड सावन इज द गार्डन। अगला प्रश्न है हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज, तो यहाँ उत्तर लिख देंगे द पेरिस्ट आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकीज। अगला प्रश्न है व्हाट स्लोगन डिड लाल बहादुर शास्त्री गिव टू द नेशन, तो यहाँ उत्तर लिख देंगे ही गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान टू द नेशन। तो उन्होंने क्या नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो इस प्रकार का स्लोगन उन्होंने तैयार किया था। अगला है सेवन व्हाट इज ए क्लॉक, क्लॉक यानी घड़ी, घड़ी का क्या काम है, देखिए आप ये घड़ी ए विच, उत्तर में लिखेंगे ए विच हंग ऑन ए बेल इज कलेक्ट ए क्लॉक, यानी समय को कलेक्ट करती, समय को दिखाती है। देखिए आप अगला है भाट वास महेश्वर नाउ अस इन एनी सेट हिस्ट्री एंड एड्रेस एनी सेट हिस्ट्री में, देखिए आप आंसर इन एंसेट हिस्ट्री मतलब प्राचीन, सेट का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन इतिहास क्या है, तो आई एंसेट हिस्ट्री महेश्वर वास नाउ एस महेश्वरती महेशमती, तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। अगला है हु बिल्ट द महेश्वर फोर्ट, तो यहाँ उत्तर लिख देंगे महेश्वर फोर्ट वास बिल्ट बाय रानी अहिल्याबाई, इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख देंगे। अगला देखिए हु गेट द सावन फाइनली, तो आंसर लिख देंगे सिद्धार्थ गेट द सावन फाइनली। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ लीलास ब्रदर्स, लीला का ब्रदर कौन है उसका नाम लिखना है, द नेम ऑफ द लीलास ब्रदर वाज रोहित, रोहित जो है लीला का भाई है। अगला है वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रोक्ड कंप्यूटर्स, तो आंसर में लिख देंगे द चिल्ड्रन वेंट टू हेड स्टार्ट सेंटर लर्न थ्रोक कंप्यूटर। अगला है प्रश्न हु गोट द सावन फाइनली, तो आंसर लिख देंगे सिद्धार्थ गोट द सावन फाइनली। अगला है वैम डू बी वार्शिप वन दिवाली, यहाँ लिख देंगे भी वार्शिप गुड डेज लक्ष्मी वन दिवाली। अगला है हु वास वॉकिंग अलॉन्ग द गेटस, तो आंसर में लिख देंगे नरेंद्र वास वॉकिंग अलॉन्ग द गेटस। अगला है व्हेन डू वी सेलिब्रेट दीपावली, तो देखिए आप वी सेलिब्रेट दीपावली इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक के महीने में दीपावली का त्यौहार आता है। अगला देखिए आप अगला है व्हाट डू पीपुल डू इन द मंथ ऑफ रमजान, तो रमजान पीपुल, अब देखिए आप आंसर में लिखेंगे पीपुल सेलिब्रेट ईद इन द मंथ ऑफ रमजान दे पेरी द आल अलमाग थ्री एंड ओविश्री फास्ट ड्रॉइंग द दिस मंथ। अगला है आंसर द फ्लोविंग क्वेश्चन इन टू और थ्री क्वेश्चन सेंटेंस पोयम, क्या लिखना है क्वेश्चन का आंसर लिखना है तीन दो से तीन सेंटेंस में वाक्य में। तो अगला है
भाई सोल्ड बी बी थैंकफुल टू गॉड द सोल्ड बी थिंकफुल टू गॉड बिकॉज द गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग दैट वी नीड। फिर अगला है व्हाट इज ए नेस्ट मेड ऑफ, उत्तर लिख देंगे ए नेस्ट मेड ऑफ स्टॉब एंड फेदर। अगला है बीच फ्लोवर्स आर मेंटेनेंट ऑन इन द पोयम स्प्रिंग इन द कमिंग। तो पेंसिल लाइन्स एंड डिफिडिलेंस फ्लावर्स आर मेंटेनेंट इन दिस पोयम। अगला है व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोयम माय डॉग। हाँ आंसर लिख देंगे द डॉग इज ए ग्रेट एंड लवली पेट एनिमल। फिर है हाउ डोज द प्लांट फाइंड द अपोसाइड आउटसाइड वर्ल्ड्स। आंसर लिख देंगे व्हेन द प्लांट राइज एंड क्रीप्स टू द लाइट इट फाइंड्स द आउटसाइड वर्ल्ड्स। फिर अगला है हु वोक अप द सीड, सनशाइन वर्क अप द सीड। उत्तर लिख देंगे सनशाइन वर्क अप द सीड। अगला है हु हैज गिवन अस फादर एंड मदर, द गुड हैज गिवन अस बाय फादर एंड मदर। अगला है हाउ मनी सेशंस आर थ्री एन ए ईयर दिस, उत्तर में लिख देंगे देयर आर थ्री सेशंस इन ए ईयर। अगला है भेंडोज द पोस्ट अस्क टू मेक ए नेस्ट। तो यहाँ आंसर में लिख देंगे इन द स्प्रिंग। अगला है व्हाट इज द सिंपलेस्ट वॉइस टू पे थिंक टू गोट, टू प्राई पेरी द गोट इज द सिंपलेस्ट वॉइस टू पे थिंक टू द गोट। अगला है बहम बॉम डोज द पोस्ट अस्क द मेक ए नेस्ट। तो लिख देंगे द पोस्ट अस्क टू मेक ए नेस्ट टू ब्राइडेस ही अस्क सो बिकॉज स्प्रिंग इन द कमिंग। अब देखिए आप प्रश्न 70वां है राइट एन एप्लीकेशन टू यूअर हेडमास्टर टू इंश्यू यूअर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। छुट्टी के लिए हमें हेडमास्टर को पत्र लिखना है। तो देखिए आप आंसर में क्या लिखेंगे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खंडवा एमपी। यहाँ लिखेंगे सर मोस्ट हम्बली आई बिग बैक टू से दैट माई फादर्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू उज्जैन आई शैल गो विथ हिम एंड स्टडी थ्री नाउ काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड ओबिलॉन्ग यूअर ओबीडियंटली मोहन क्लास 5। और दूसरा अगर ये आपको पत्र लिखने वाला नहीं बन रहा है तो दूसरा भी आप लिख सकते हैं। तो और का मतलब दूसरा क्या है राइट ए लेटर यूअर यूअर फ्रेंड विजय इनवाइटिंग हिम टू अटेंड यूअर सिस्टर मैरिज, अटेंड करने के लिए मैरिज में सम्मिलित होने के लिए
अपने सिस्टर की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो क्या लिखेंगे देखिए आप, यहाँ पता है आंसर में डियर विजय, पता लिखा है 117 भिक्षापुरी रीवा 10 नवंबर 2022। अब लिख देंगे यहाँ, डियर विजय यू विल बी ग्लैड टू नाउ डेट माई सिस्टर्स मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 24 नवंबर 2022। आई एम इनविटिंग यू टू अटेंड द वेडिंग मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द वेडिंग हैव ऑलरेडी बीन डन सिटल आई वॉन्ट यू टू कम एट ऑल्टेस्ट 4 days बिफोर प्लेस कन्वेरी माई रिगार्ड टू आंटी एंड अंकल वेटिंग एयरली फॉर यू। क्या मित्र जो है पत्र लिख रहा है अपने मित्र को, अपने सिस्टर में सिस्टर की शादी को मैं बुलाने के लिए कि अपने फादर और मदर के साथ में आपको 4 दिन की समय निकाल करके हमारी सिस्टर की शादी में आने के लिए ये पत्र लिखा गया है। यूर आफ्टर टर्न टली रामवीर, इस प्रकार से ये पत्र आप लिख देंगे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न 71, राइट एन एप्लीकेशन टू यूअर हेडमास्टर फॉर 3 days लिविंग लिप्स एस यूअर आर 6। देखेंगे कैसे लिखेंगे आंसर, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जबलपुर, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर 6 लीव फॉर 2 days। तो यहाँ क्या है, रिस्पॉन्डेड सर रिस्पॉन्ड डेट फुली आई बैग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ वी ए आई एम नॉट विल आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल काइंडली ग्रांट मी लव्स लिप्स फॉर 2 days फ्रॉम 15 जून 2022 टू 17 जून 2022 आई शैल बी ट्रंक फुल टू यू। डेट है 15 जून 2022 को ये पत्र लिखा गया है। यूर साइंस केयरफुली राज ग्राग रोल नंबर 15 क्लास 5वीं A। और इसके ऑप्शन में एक और लेटर दिया हुआ है, वो उसको देखें। तो राइट ए लेटर टू यूअर फ्रेंड रोहन इनविटिंग हिम टू अटेंड यूअर ब्रदर्स मैरिज पार्टी, अपने भाई की मैरिज पार्टी मैरिज पार्टी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र रोहन को पत्र लिखा जा रहा है। तो देखिए आप आंसर में क्या लिखेंगे, डियर रोहन 117 भिक्षापुरी रीवा और 10 नवंबर 2022 को ये पत्र लिखा गया है। डियर रोहन यू विल बी ग्लैड टू कम नाउ डेट माय ब्रदर इस मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 24 नवंबर 2022 आई एम इनविटिंग यू टू अटेंड द वेडिंग मोस्ट ऑफ द प्रोपर्शंस ऑफ द वेडिंग हैव ऑलरेडी बीन डन सिटिल बेंट यू अस कम एट लेटेस्ट 4 days बिफोर प्लेस
कन्वेरी माय रियर गेस्ट टू आंटी एंड अंकल बेडिंग एगरली फॉर यू यूर अपकोस नेस्टली रामवीर। अगला पत्र लेखन है प्रश्न 72। तो ये देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर फॉर इंसुइंग योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पर टू द क्लास टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खंडवा एमपी। सर मोस्ट हम्बली आई बैक टू से डैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू उज्जैन। आई शैल गो विथ हिम एंड स्टडी थ्री नाउ। काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड अब लॉन्ग यूअर ओबीडियंटली मोहन क्लास आठवीं बी। इस प्रकार से ये पत्र हो जाएगा। अगला फिर है राइट ए लेटर टू यूअर फ्रेंड इन्विटिंग हिम टू अटेंड यूअर बर्थडे पार्टी। अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपनी बर्थडे पार्टी में, तो उसको लेटर कैसे लिखेंगे देखिए आप। आंसर अरविंद नगर उज्जैन 15 जुलाई 2019 का है। डियर संदीप आई एम वेल हेयर एंड होप फॉर द सम थ्री माय बर्थडे इज फॉलिंग ऑन 15 अगस्त। आई रिस्पेक्ट यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी। इफ यू कम आई विल फील ग्रेट पल्सर प्लेस टू कम कन्वे माई रेगर्ड टू एल्डर्स एंड लव्स फॉर यंगर्स। यूअर अफेक्ट ऑन टली प्रेम। इस प्रकार से पत्र लिख देंगे। अगला फिर देखिए आप प्रश्न क्रमांक 73 है। राइट एन एप्लीकेशन टू यूअर क्लास टीचर फॉर 2 डेज लीव्स। 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने क्लास टीचर को कक्षा शिक्षक को पत्र लिखना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे देखिए। टू द क्लास टीचर गुजरात मिडिल स्कूल रतलाम एमपी। गुजराती मिडिल स्कूल रतलाम एमपी। डियर सर देखिए आप मोस्ट हम बिली आई बैक टू से डैट आई हैव बीन सॉफ्ट फेयरिंग फ्रॉम फीवर साइन लास्ट नाइट हैंस आई कैन नॉट कम टू स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लिव फॉर 2 डेज फ्रॉम टूडे एंड ओविंग 5/8/2012 का। यूअर ओविडेंटली गुरु गौरव सांस क्लास 8B D। इस प्रकार से ये लेटर लिख देंगे। अगला देखिए आप अगला इसी में है। और तो राइट ए लेटर टू यूअर फ्रेंड रवि इन्विटिंग हिम टू अटेंड यूअर ब्रदर्स मैरिज। क्वेश्चन नंबर हमने 71 में जो देखा था वही इसको ऐसे प्रकार से लिख देना है। हमने जो अभी एप्लीकेशन लिखा था उसको ही देख लेना है। 74 में राइट ए एन एप्लीकेशन टू यूअर हेडमास्टर फॉर 3 डेज लिफ्ट। इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 71 आर और आवासा का है, उसको भी वैसे लिख देंगे। अगला देखेंगे राइट ए लेटर टू यूअर फ्रेंड विजय इन्विटिंग हिम टू अटेंड यूअर कुसिन मैरिज।
तो देखिए आप, डियर विजय, 117 विशाखापुरी रीवा का है ये, 10 नवंबर 2022। डियर विजय, यू विल बी ग्लैड टू नाउ डेट माय कुशिन मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 24 नवंबर 2022। आई एम इनविटिंग यू टू अटेंड द वेडिंग मोस्ट ऑफ द प्रोपरनेशन ऑफ द वेडिंग हैव ऑलरेडी बीन डन। स्टिल आई वांट यू टू कम एट लेटेस्ट 4 डेज बिफोर। प्लेस कैन वेरी माई रिगरेड टू आंटी एंड अंकल वेडिंग एगरेली फॉर यू यूअर ऑफ सीटली राम बीर। अगला है 75। राइट एन एप्लीकेशन टू यूअर हेडमास्टर टू 4 2 डेज लीव्स। इसका भी आप आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 74 में हमने जो अभी देखा था वैसे ही आप लिख देंगे। अगला देखिए आप, और राइट ए लेटर टू यूअर फ्रेंड्स पंकज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट यूअर प्रेपरेशन फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। आंसर में लिख देंगे 206 जनता कॉलोनी ग्वालियर 28 फरवरी 2022। डियर पंकज, होप यू आर फाइन देयर। आई एम ऑल्सो फाइन हेयर। माई फाइनल एग्जामिनेशन आर स्टारिंग फॉर्म 15 मार्च 2022। दिस डेज आई एम प्रेपरिंग फ्रॉम दैम। माई प्रेपरेशन आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। आई हैव प्रोपर प्रेट मोर नोट्स ऑफ ऑल द इम्प्रोटेंट टॉपिक्स एंड हैव लर्नेंट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एट। आई हैव टू रिसीव्ड दैम अगेन। आई होप डैट आई विल पास विथ गुड मार्क्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस मोर इन नेक्स्ट लेक्चर। यूअर ऑफ सिंसियरली रहीम। तो इस प्रकार से आप पत्र लिखने लिख देंगे। अगला है 76। राइट एन एप्लीकेशन टू यूअर हेडमास्टर फॉर 5 डेज लीव्स। इसका भी क्वेश्चन नंबर 71 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर अगला है, राइट ए लेटर टू यूअर फ्रेंड मनोज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द एनुअल फंक्शन। तो आंसर में लिख देंगे, डियर मनोज, 20 नंदनगर इंदौर 19 नवंबर 2019 का है। तो डियर मनोज, आई एम क्यूट विल हेयर एंड होप सम फॉर 3 और स्कूल से एनिमल से फंक्शन इस कमिंग ऑन 28 दिसंबर 2019। आवर स्कूल स्टाफ एंड ऑल स्टूडेंट्स आर प्रोपर्ड विल फॉर 87 दिस ऑक्सीजन सेवरल कल्चरल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड। वी आर इंगरेली वेटिंग फॉर डेट डे। कैन वेरी माई रिगार्ड टू एलेडर्स यूअर ऑप्टिशन नेटली दीपक। तो इस प्रकार से पत्र लेखन कक्षा 5B का संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।